कार्यपालिका, कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव। अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव शब्द आया है टू एग्जीक्यूट से। टू एग्जीक्यूट का अर्थ है लागू करना, लागू करना। क्या लागू करना, कैसे लागू करना, इसका हम अध्ययन इस अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन आपको पहले जानना है कि एग्जीक्यूट मतलब लागू करना, और जो एग्जीक्यूट करे वह संस्था या वह स्ट्रक्चर कहलाता है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का अर्थ है कार्यपालिका। हिंदी की यदि बात करें हिंदी में, तो कार्यपालिका का अर्थ हो गया वह पालिका जो सभी कार्यों का परिपालन करवाए, जो सभी कार्यों को लागू करे, कार्य का पालन करे, जो भी दायित्व कार्य उसको सौंपे गए हैं उसका पालन करे, उसको लागू करवाए, वह कहलाती कार्यपालिका। बच्चों, ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी अध्याय महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए वे आपके विषय में रहते हैं, लेकिन ये अध्याय इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप सरकार कैसे चलती है, सरकार के मायने क्या हैं, सरकार हम किसे कहते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस हैसियत से काम करते हैं, किन मामलों में राष्ट्रपति और किन मामलों में प्रधानमंत्री ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। भारत में राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री, इसमें बारंबार आपको आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ज़्यादा ताकतवर कौन है, क्यों है, कैसे है। साथ ही आप ये भी समझेंगे कि विश्व में कितनी तरह की ऐसी राजनीतिक प्रणालियां हैं जैसी, जिसमें से एक प्रणाली भारत में है जहां राष्ट्रपति भी है और जहां प्रधानमंत्री भी हैं। क्या सभी देशों में ऐसी प्रणाली है? नहीं, सब देशों की अलग अलग राजनीतिक प्रणालियां हैं। जैसे सब समुदायों के अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज आदि हैं, ऐसे ही हर देश की अपनी अपनी शासन प्रणाली है। तो आप ये भी जानेंगे कि शासन प्रणालियां कितने तरह की, मोटी मोटी कितने तरह की हैं, मुख्य शासन प्रणालियां क्या हैं, और कौन से देश किस शासन प्रणाली को अपने यहाँ लागू किए हुए हैं और क्यों। विश्व के अन्य देशों की शासन प्रणालियों का हम उतना विस्तार से अध्ययन तो नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर समझेंगे कि अन्य देशों में किस तरह की प्रणालियाँ हैं, और ऐसा समझते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रणालियाँ कितनी तरह की होती हैं, भारत में क्यों हमने वह प्रणाली लागू की है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। और ऐसी चर्चा करते हुए अध्याय के अंत होते होते आप निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट हो जाएंगे कि भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है, राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, मुख्यमंत्री का क्या स्थान है, राज्यपाल की क्या स्थिति होती है हमारे राजनीतिक ढांचे में, आदि आदि। ये सवाल भी आपके मन में आता होगा कि क्यों हम कहते हैं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ताकतवर हैं, क्यों हम कहते हैं कि पूर्व के कुछ प्रधानमंत्री कमज़ोर थे, क्यों हम कहते हैं कि इंदिरा गांधी एक बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री थी। तो ये ताकतवर के मायने क्या हैं, वो ताकत कहाँ से आती है, वो क्या शक्तियाँ हैं जो प्रधानमंत्री को ताकतवर बनाती हैं और कुछ प्रधानमंत्रियों को
कमजोर कहने की हमें गुंजाइश देती हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल जो हमारे दैनंदिनी में रोजमर्रा के जीवन में सरकार को लेकर उठते हैं, उसका हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं और ऐसा करते हुए आपके बहुत सारी शंकाओं का समाधान होगा ऐसा विश्वास है। इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ यह अध्याय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम क्या क्या समझेंगे, यदि हम उसको चार पांच बिंदुओं में देखें तो पहली बात हम जानेंगे कि संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्य प्रणाली में क्या अंतर है, विभिन्न प्रणालियां क्या हैं, उसमें संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यशैली में क्या अंतर है। दूसरा, हम जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। इससे हमारा तात्पर्य है हम जानेंगे कि भारत की इस प्रणाली में, भारत की कार्य प्रणाली में राष्ट्रपति कहाँ पर आता है, कितना महत्वपूर्ण है। देश का प्रथम नागरिक है, ये तो आपके पास आपको मालूम ही है, लेकिन प्रथम नागरिक होने के साथ साथ उसकी शक्तियां क्या हैं, प्रधानमंत्री के सामने उसकी क्या स्थिति है, संसद बनाम राष्ट्रपति में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, इसको समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि मंत्रिपरिषद की संरचना कैसे होती है और उसके कार्य क्या हैं, मंत्रिपरिषद क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर अंतिम बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है प्रशासनिक मशीनरी। प्रशासनिक मशीनरी से क्या तात्पर्य है, कार्यपालिका का अर्थ है कानून आदि लागू करना, एग्जीक्यूट करना। ये लागू करने का कार्य कौन करते हैं, लागू करने की जिम्मेदारी किन लोगों पर है, उनके क्या अधिकार क्षेत्र हैं, उनके क्या दायित्व हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उनका महत्व क्या है, किस हद तक वे अपने अधिकार क्षेत्र की जिम्मेदारियों को निभाते हैं और नहीं निभाते हैं, ना निभाने की स्थिति में उसके क्या परिणाम होते हैं, अगला कदम क्या होता है, इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार हम इस अध्याय में कार्यपालिका के बारे में विस्तार से इन बिंदुओं पर हम अध्ययन करेंगे। एक शब्द सरकार, सरकार अर्थात गवर्नमेंट, सरकार अर्थात गवर्नमेंट। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग बारंबार पढ़ते सुनते बोलते हैं कि हमारी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। कल्पना करिए, कोई सदस्य ने कहा बातचीत में कि हमारी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो सरकार के मायने क्या हैं, हमारे लिए सरकार का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इसको जानें। जब भी शब्द सरकार का उपयोग होता है तो सरकार के तीन अंग होते हैं। शरीर का जब भी उपयोग होता है, शरीर शब्द का, तो शरीर के मायने हाथ पांव सिर पैर पेट आदि आदि विभिन्न अंग, शरीर के विभिन्न अंग मिलकर शरीर बनाते हैं। ऐसे ही सरकार के विभिन्न अंग मिलकर सरकार बनाते हैं। सवाल ये उठता है सरकार के अंग कौन से हैं। यदि हम कहें कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो कौन सा अंग काम नहीं कर रहा है, यदि हम कहें कि शरीर काम नहीं कर रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं उसमें आपका लीवर काम नहीं कर रहा है या किडनी काम नहीं कर रही है या हार्ट काम नहीं कर रहा है या ब्रेन काम नहीं कर रहा है आदि आदि
ब्लड सर्कुलेशन काम नहीं कर रहा, आर्टरीज काम नहीं कर रही, शरीर के बहुत सारे अंग हो जाते हैं। सरकार के मामले केवल 3 ही अंग हैं, और इसलिए उस हद तक सरकार को समझना थोड़ा सरल है। सरकार के अंगों की बात करें तो पहला अंग है विधायिका। कौन सा है? विधायिका। दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है, विधायिका अर्थात सरकार का वह अंग जो कानून विधान बनाने का काम करता है। विधान अर्थात कानून, सरकार का वह अंग जो विधान कानून बनाने का काम करता है, बनाने का कार्य, वो कहलाती विधायिका। दूसरा अंग है सरकार का वह अंग जो इस विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है, उसको जमीनी सच्चाई में लाता है, उसको प्रैक्टिस में लाता है, इम्प्लीमेंट करता है। लागू करना अर्थात इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, तो उसे कहते हैं कार्यपालिका। विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानून लागू करना। अब कानून बन गया, कानून लागू हो गया, अब कानून उचित ढंग से लागू है कि नहीं, कानून स्वयं में उचित है कि नहीं, कानून का दुरुपयोग करने वालों के साथ क्या किया जाए, ये निर्णय, ये काम करते हैं तीसरा अंग, यानी न्याय देने वाला अंग। न्याय देने वाला अंग न्यायपालिका अर्थात जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम है यह सुनिश्चित करना कि बनाए गए कानून, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून उचित तरीके से लागू किए जा रहे हैं, और यदि वे उनका औचित्य सही नहीं है या उचित तरीके से लागू नहीं है तो न्यायपालिका उस पर एक तरीके से लगाम का काम करती है। ये 3 अंग सरकार बनाते हैं। विधायिका को अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका को कहते हैं जुडिशियरी। जुडिशियरी शब्द से स्पष्ट है उसका संबंध न्याय से है। एग्जीक्यूटिव शब्द से स्पष्ट है उसका संबंध लागू करने से है। ऐसे ही लेजिस्लेटिव शब्द से स्पष्ट है इसका काम है लेजिस्लेट करना, और लेजिस्लेट करने का अर्थ है कानून बनाना, टू लेजिस्लेट अर्थात कानून बनाना। तो इस प्रकार सरकार के मायने उसके 3 अंग। इतना स्पष्ट हो गया अब आपको। तो जब भी कोई कहता है सरकार काम नहीं कर रही है, या सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है, या सरकार अपने कुछ दायित्वों में असफल है, तो सवाल ये उठता है कि इस सरकार के कौन से अंग में खामी है, या कौन सा अंग अच्छा काम कर रहा है। जब आलोचना हो रही है तो सवाल ये उठेगा कि सरकार के कौन से अंग की आलोचना कर रहे हैं, क्या 3 ही अंग काम नहीं कर रहे हैं, और यदि ऐसा है तो इसका इलाज क्या है, या कोई सा एक अंग कार्य नहीं कर रहा है तो फिर उसका कुछ इलाज किया जाए, और उसके प्रावधान हैं उसके। तो कहने का अर्थ ये कि सरकार 3 अंगों की, और सरकार का काम नहीं कर रही है, तो अगला स्पष्ट प्रश्न होता है उसका कौन सा अंग काम नहीं कर रहा, यानी कौन सा अंग अपनी जिम्मेदारियां उचित तरीके से नहीं निभा रहा है, कौन सा अंग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा है, तभी तो वो काम नहीं कर रहा, और या कौन सा अंग
अपना कार्य बखूबी कर रहा है। क्या न्यायपालिका अपना काम बखूबी कर रही है? ये हम तब समझेंगे जब हम न्यायपालिका के दायित्व और जिम्मेदारियों को समझेंगे और आज के परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन करेंगे। क्या कार्यपालिका अपना काम बखूबी कर रही है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और विधायिका के अंतर्गत क्या कानून बनाने वाली संस्थाएं उचित कानून बना रही हैं, कानून बना भी रही हैं कि नहीं, अपने दायित्व को बखूबी निभा रही हैं कि नहीं, आदि आदि। तो हम समझ गए अब सरकार क्या है, और हम ये भी समझ गए सरकार के तीन अंगों के नाम क्या हैं, और साथ ही ये भी समझ गए कि सरकार क्या कौन सा अंग काम कर रहा है कौन सा नहीं। ये सवाल अब आपके मन में बेहतर तरीके से आना चाहिए। एक कदम और हम बढ़ते हैं, विधायिका की जब हम बात करते हैं तो विधायिका में कौन कौन से हिस्से हैं, किसे हम विधायिका कहते हैं, या कानून बनाने का कार्य किन्हें दिया गया है, इसको विस्तार से हम विधायिका के अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। पर इससे पहले मैं कार्यपालिका पे जाऊं और इस विषय के अध्ययन को विस्तार से पढ़ें, उससे पहले थोड़ा हम ये समझ जाएं कि विधायिका अर्थात सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का कार्य करता है, तो कानून बनाने का कार्य कौन करता है, इनके नाम क्या हैं। तो इसको यदि हम देखें तो उसे हम एक तरीके से तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा संसद। राष्ट्रपति और संसद, इसमें राष्ट्रपति का काम भी कुल परिस्थितियों में कानून बनाना है, उस पर हम आगे समझें। पर फिलहाल आप इतना समझ जाएं कि अच्छा, राष्ट्रपति भी कानून बनाता है। दूसरा अंग है संसद, संसद अर्थात पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, इसे मिलाकर हम कहते हैं संसद। तो इस प्रकार राष्ट्रपति और संसद को मिलाकर विधायिका बनती है, ये बात आपको याद रखनी है, राष्ट्रपति और संसद को मिलाकर विधायिका बनती है, ठीक। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका के कौन कौन से अंग हैं? कार्यपालिका में आते हैं मंत्रिमंडल, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति भी, अर्थात राष्ट्रपति को हम लेजिस्लेचर में भी पाते हैं और राष्ट्रपति को हम कार्यपालिका में भी पाते हैं। यदि हम मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्य। इसके अलावा एक प्रशासनिक कार्यपालिका भी होगी, ये तो राजनीतिक कार्यपालिका हुई जिस पर हम आगे पढ़ेंगे। आप इतना समझ लें कि कार्यपालिका को भी हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका जो चुनावी प्रक्रिया से आती है, और दूसरी प्रशासनिक कार्यपालिका जिसमें सरकारी कर्मचारी आते हैं, अधिकारी वर्ग से लेकर नीचे तक के लोग, ये सब प्रशासनिक कार्यपालिका में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। अब इस पर हम आगे और विस्तार से इसी का अध्ययन करेंगे। तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन सी संस्थाएं आती हैं? सर्वोच्च संस्था है न्यायपालिका की, सर्वोच्च न्यायालय। कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद उच्च न्यायालय और फिर नीचे अन्य तरह के न्यायालय। ये न्यायालय जो है वो न्यायपालिका बनाते हैं, ये न्यायपालिका
के अंग हैं, न्यायपालिका के हिस्से हैं। तो इस प्रकार अब हम समझ गए हैं एक तरीके से कि देश की सरकार के मायने क्या हैं, कौन कौन इसमें रहते हैं। इतना जानने के बाद अब हम अपने आते हैं विषय के केंद्र बिंदु पर, और वह है कार्यपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मिलकर सरकार चलाते हैं और शासन का कार्य, अर्थात देश के शासन की जिम्मेदारी इन पर होती है। देश के शासन का अर्थ है ये सब उसमें उसके हिस्से, कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता के कल्याण में योगदान देते हैं। जो संविधान है, संविधान ये सुनिश्चित करता है कि ये जो तीनों अंग हैं ये एक दूसरे के साथ तालमेल बना के काम करें, आपस में संतुलन बनाए रखें। तालमेल और संतुलन से अर्थ है कि संविधान में जैसा लिखा हुआ है, जैसे प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को ध्यान में रखकर ये तीनों अंग अपने अपने कार्य करें और ऐसा करते हुए संतुलन बनाए, ऐसा करते हुए तालमेल बनाए, और एक ऐसा और इस प्रकार एक अच्छी सरकार देश में रहे। संसदीय व्यवस्था, के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। संसदीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। इस लाइन को, पंक्ति को आप अच्छी तरह समझ लें। हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वह संसदीय व्यवस्था कहलाती है। हम अन्य शासन व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इतना समझें कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें विधायिका अर्थात संसद और कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी ये एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर अवलंबित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। विधायिका जो है वो कार्यपालिका को ना केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका न केवल कार्यपालिका को नियंत्रित करती है बल्कि स्वयं भी कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित होती है। इस अध्याय में हम सरकार की कार्यपालिका का संगठन, संरचना, कार्यों को विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि पिछले कुछ समय के राजनीतिक बदलाव या राजनीतिक व्यवहार के कारण हमारे इस